नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीएल को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, और अगर हम बात करें तो पूरे आईपीएल फैंस के लिए और जो सारी टीमें हैं, फ्रेंचाइजी है, उनको बहुत ही बड़ा जो है झटका लगा है, क्योंकि जो आईपीएल 21 है वो हो गया है कैंसल्ड। जी हाँ दोस्तों, अब इसी को लेकर क्या है पूरी खबर, क्या है ये रिपोर्ट, हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़े फ़ैन हैं आप पंजाब किंग्स के, राहुल के सपोर्ट करते हैं, इस टीम को जिताना चाहते हैं आईपीएल 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जाना और हमेशा अपडेट मिलते रहे आपके सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और आईपीएल 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके आईडी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में, ये क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है ये खबर। अब दोस्तों अगर हम बात करें आईपीएल 21 पर, जो कोविड-19 का खतरा था वो तो पहले से ही मंडरा रहा था, और ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें तो जो कोविड-19 है उसने अपना दबदबा इस आईपीएल पर बनाया। और अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते अगर हम बात करें जो केकेआर और बेंगलोर का मैच था उसको रद्द किया गया। जी हां दोस्तों, जो यानी कि जो मैच था उसको रिशेड्यूल किया गया, और किस दिन होगा अभी इसकी खबर पूरी निकल के सामने नहीं आई थी। तो अब दोस्तों अगर बात करें तो इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और अगर बात करें तो उनके बस ड्राइवर को भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे में बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि जो है टीम को पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया जाए। और अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के टीम से जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां पे एक मैसेज निकल के आया कि जो टीम है पूरी तरीके से जो है क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो कर रही है मंडे से, और ऐसे में उनके जो सारे मैचेस हैं उसको जो है पोस्टपोन किया जाए और अगले डेट के लिए रिशेड्यूल किया जाए। तो ऐसे में बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि इससे अच्छा यही होगा कि जो आईपीएल है उसको पहले सस्पेंड किया जाने के एक हफ्ते के लिए आईपीएल किसी भी तरीके से बंद किया जाए, उसके बाद जो है आईपीएल रिस्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद ऐसी खबर निकल के आई कि आईपीएल 21 जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा और एक नए डेट पर रखा जाएगा। तो अब दोस्तों इसी को लेकर जो फैंस है उसमें उत्सुकता बढ़ी हुई है कि जो आईपीएल है वो कब होगा, अगर सस्पेंड हुआ है फिर पोस्टपोन हुआ है तो अगला डेट क्या हो सकता है आईपीएल 2021 का। तो अब दोस्तों इसको लेकर बीसीसीआई ने कह दिया है कि हालांकि जो खिलाड़ी हैं वो अपने घर पर जा सकते हैं, जो आईपीएल है उसे पोस्टपोन किया गया है, नया शेड्यूल जो है बीसीसीआई निर्णय लेकर के एक हफ्ते में बता देगी। तो अब दोस्तों ऐसे में अगर हम बात करें तो फैंस के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आईपीएल 21 पोस्टपोन हो गया है तो उसको दोबारा से क्या इंडिया में रखा जाएगा, या फिर उसे एक बार फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा यूए में पिछली बार की तरह। तो अब दोस्तों अगर बात करें कोविड-19 की जो सिचुएशन है इंडिया में वो पूरी तरीके से ख़राब चल रही है, और बीसीसीआई ने यह भी निर्णय लिया था कि आईपीएल का जो पूरा स्केड्यूल वो मुंबई के वानखेड़े मैच में ही रखा जाएगा। तो अब दोस्तों इसी को लेकर अगर हम बात करें तो मुंबई में जो कोरोना के सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस हैं, और ऐसे में ये निर्णय भी जो है बीसीसीआई के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। तो अब दोस्तों इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो बीसीसीआई है वो अपने सारे निर्णय जो है एक हफ्ते में बताने वाली है कि आईपीएल 21 के बारे में क्या होने वाला है, क्या वो फिर से होगा या पोस्टपोन हो जाएगा, और अगर होता है तो कहाँ होगा, क्या हमें यूएई में आईपीएल देखने को मिलेगा या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो अब दोस्तों इसको लेकर आपका क्या कहना है कि आईपीएल 2021 एक बार फिर से इंडिया में होना चाहिए, या फिर अगर होता है तो यूएई में हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर दोस्तों बात करें पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल की जो वापसी होने वाली है एक हफ्ते में, जो अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जैसे कि बीसीसीआई ने कह दिया है कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने घर पर जा सकते हैं, तो केएल राहुल को भी जो है उनके सर्जरी के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर रेस्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर हम बात करें जो विदेशी खिलाड़ी हैं उन पर क्या बीती होगी इस खबर के बाद, वो तो वही समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था अपने देश से आईपीएल खेलने के लिए, अब उन्हें जाना पड़ रहा है, और ऐसे में अगर एक बार फिर आईपीएल होता है कुछ दिनों बाद तो कभी होगा, वो कहाँ आएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, और क्या एक बार फिर से विदेशी खिलाड़ी जो है सभी फ्रेंचाइजियों को ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, इस खबर के बारे में, क्या बीसीसीआई ने सही किया या नहीं किया, और अगर जो आने वाला निर्णय है वो कहाँ होना चाहिए, आईपीएल यूएई में या फिर इंडिया में, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।